ये कंट्रोल पैनल है, ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल है, जो कि इस मशीन का एक प्रकार से हार्ट है। ये मशीन के अंदर के सारे ऑपरेशंस जितने भी एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए रिक्वायर्ड हैं, ये सबका कंट्रोल यहाँ से होता है। उन सब की स्पेसिफिक कंडीशंस, उनकी वैल्यूज़ और उनके टाइमिंग सब यहाँ से कंट्रोल होते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे आप, ये पावर ऑन स्विच है, ये पावर ऑफ हो गया मशीन का, और इस तरह से पावर ऑन है। ये जितने भी स्विचेस जो आप देख रहे हैं, ये टेम्परेचर, लाइट, वाटर पंप, लोअर, यूवी, ओजोन के स्विचेस हैं, एंड उसी के इंडिकेटर भी हैं। तो इस समय जैसे ओजोन चल रहा है, सो ये वाला स्विच ऑन है और ये इंडिकेटर ऑन है, जबकि ये टेम्परेचर हाई, जो कि एक्चुअली एसी का स्विच है, ये ऑफ है, इसका मतलब अभी एसी ऑफ है। ये जो आप डिस्प्ले देख रहे हैं, ये टेम्परेचर का डिस्प्ले है। 26.9 इस समय करंट टेम्परेचर है आप देख रहे हैं, और अगर आप इसको बटन दबाएंगे तो पता चलेगा 25.7 पे कट ऑफ है, मतलब 25.7 से टेम्परेचर नीचे जाएगा तो एसी ऑफ हो जाएगा। इस समय एसी का बटन ऑन है। सिमिलरली ये जो पैनल है, इसके अंदर आप डिफरेंट काइंड ऑफ लाइट्स, वाटर पंप और इन सब की सेटिंग्स देख सकते हैं और चेंज कर सकते हैं, और इसके हिसाब से ही अगर आप डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो प्रोग्राम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मेज़ का प्रोग्राम या फिर बार्ली का प्रोग्राम, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये ओजोन प्यूरीफायर है, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए और एयर एंड वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। सिमिलरली ये वाटर पंप है, जो कि वाटर रिसाइकलिंग और फ्रेश वाटर पंपिंग दोनों का काम करता है। कंट्रोल पैनल टाइमर ड्रिवन है, इसका मतलब अगर मान लो बीच में अगर पावर ऑफ भी हो जाता है तो इट रिकॉर्ड्स जो इसका प्रीवियस पॉइंट था उसको, एंड इट इज़ एबल टू रीस्टार्ट फ्रॉम एग्जैक्टली द सेम पॉइंट वेयर इट वॉज। सो लेट्स से इफ़ सपोज वाटर का साइकिल सपोज 5 मिनट्स का है, और यदि 3 मिनट्स के बाद यदि वाटर ऑफ पावर ऑफ हो गया, तो जब भी पावर आएगा तो बाकी के 2 मिनट्स का वो वाटर साइकिल चालू करेगा। तो इस तरह से ये एक इंटेलिजेंट सिस्टम है, एंड इसमें एक और फैसिलिटी है, जैसे आप ये देख सकते हैं ये इंडिकेटर्स हैं। इनके अलावा यदि मान लो आपको अलग से पानी देना है या अलग से लाइट चालू करनी है, तो आप उसको ये मैनुअल स्विचेस का भी काम कर सकते हैं, और आप उसको मैनुअली आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अगर जैसे मैंने अभी पावर वाटर पंप का स्विच ऑन किया है, तो ये मशीन में पावर के थ्रू पंप के थ्रू वाटर सप्लाई हो जाएगा, एंड मैं उसको ऑफ भी कर सकता हूँ। तो दिस इज़ ऑन टॉप ऑफ द ऑलरेडी प्रीसेट टाइमिंग्स। सो दिस इज़ अ ड्यूअल सिस्टम मशीन। तो ये ड्यूअल सिस्टम से वी इंश्योर कि आप जब मैनुअली सुपरविजन कर रहे हैं और आपको लगता है कि एक्स्ट्रा लाइट की या पावर की ज़रूरत है, तो यू कैन कंट्रोल इट योरसेल्फ आल्सो।